हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो जान गई होंगी कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ। हाँ जी हाँ, आज मैं मेहंदी आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि बहुत सरल है और करवा चौथ के लिए है, क्योंकि हमारी काफ़ी बहनें हैं जो बिल्कुल नहीं मेहंदी लगा पाती। तो अभी तक की मैंने एक दो वीडियोज डाली है जो आप लोगों को शुरू में सिखाया था, पर टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए मैंने मेहंदी को थोड़ा सा साइड में कर दिया। पर अभी करवा चौथ पर जो है वो काफ़ी लोग जो है लगाना चाहेंगी थोड़ा सा, तो मैं सोच रही थी कि मैं बहुत आसान सी डिज़ाइन आप लोगों को बताऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी सिंपल सी, पर आपका हाथ भरा हुआ लगेगा। पहले आज मैं यहाँ तक के लिए बताऊंगी और जो है दूसरी वीडियो में मैं पीछे के लिए बता दूँगी, ठीक है। तो कोशिश करूँगी कि आप दोनों हाथों में आपके लिए बता दूँ, और ट्राई करेंगे तो आप अपने ही दोनों हाथों से ही मेहंदी अपना खुद का लगा सकती हैं, ठीक है। तो पहले मैं इस सीधे वाले हाथ से बताऊँगी, आज आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से थोड़ा सा बात, अगर वीडियो को स्पीड में डाल दूंगी तो फिर शायद बात नहीं कर पाऊंगी, अगर स्लो मोशन में रहेगी तो मैं आप लोगों से बात करते हुए चलूंगी, कोशिश करूंगी कि तो बात करूं। तो चलिए अभी शुरू करती हूं और आप लोगों को सिखाती हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये इस तरीके से जो है चांद बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और अपने साथ में एक कपड़ा ज़रूर रखना है जब भी लगाइए। और एक चीज़ मैं बता दूँ ना कि मैंने मेहंदी लगाना छोड़ दिया है, तो अब जो है मेरा हाथ जो है जैसे कि एक जो चीज़ प्रैक्टिस में रहती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने मेहंदी लगानी छोड़ दी है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो ये जो मैं कह सकती हूँ कि ये जो वीडियो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो कुछ भी नहीं लगा पाते हैं उनके लिए है। सिंपल सी मेहंदी आपको इस तरीके से पकड़नी है, ये देखिए, और यहाँ पे इतना जगह आपको छोड़ना है। ये जो यहाँ पे हमें लग रहा दिख रहा है पर ऐसा नहीं दिख रहा था, देखिए इस तरीके की मेहंदी है। और आपको जो है मेहंदी थोड़ी सी इसमें ख़त्म हो गई है, एक वीडियोस मैंने बनाई थी शूट की थी लेकिन उसमें गड़बड़ हो गया है कि पूरी अच्छे से आई नहीं है, तो इसलिए मुझे अभी मैंने दोपहर में ही वीडियो बनाई कि अभी अपलोड कर दूँगी, पर वो सही से आई नहीं, तो इसलिए मुझे अभी दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे हाथों में लगी हुई है, तो आधी मेहंदी ख़त्म हो गई है। तो कोशिश आप करिए, जो लोग नए हैं तो थोड़ी सी मेहंदी को आगे निकाल दें, ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी लूज हो जाए और बार बार वो बहुत टाइट ना लगे, क्योंकि फिर आपका हाथ नहीं घूमेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना ये वाला थंब रखना है, यानी अंगूठा रखना है, इससे प्रेशर आपका रहेगा। इससे आप जब ज़्यादा आपको निकालना होगा तब इससे प्रेस करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ इस वाली फिंगर से ही प्रेस करेंगे। तो चलिए अभी मैं लगा रही हूँ। तो इसको जो बनाना है ये आपको मोटा बनाना है, ठीक है, और इसके अंदर जो बनाना है ये आपको पतला सा बनाना है। तो इसमें आपको कम प्रेशर देना पड़ेगा, हल्के प्रेशर के साथ ही आपकी मेहंदी, अगर अच्छी कोन है तो आपको प्रेशर यहाँ पे बहुत थोड़ा सा देना है। अगर आपकी कोन जो है वो जो है अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो एक चांद और बनाएंगे, चांद क्या बनाएंगे इस तरीके से कर देंगे, जाके ये हम बनाने वाले थे दूसरा था, पर हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे ये देना चाहिए तो ये ज़्यादा खिल के आएगी। तो इस तरीके से को करना है, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो ट्रेंड हैं उनको शायद ये मेहंदी ना पसंद आए, ठीक है, तो वो लोग जो है कुछ और ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो है मैं ये वाले हिस्से मैंने बीच में मोटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोटा किया, ये वाला पतला किया, अब मैं ये वाला जो करूँगी ये बहुत पतला करूँगी, ठीक है, जितना पतला आप कर सकते हो उतना पतला। देखिए, अगर आप मेहंदी को बिना छुआए हुए करती लगाती हैं मेहंदी, बिना कोन को बिना इसमें स्किन में टच किए अगर लगाती हैं, तो मेहंदी की फिनिशिंग जो होती है वो गजब की होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो जब आप प्रैक्टिस जब देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने यहाँ तक आप लोगों को सिखाने के लिए बताया, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्किन को छुआए हुए खींचा, और जबकि यहाँ से मैंने कोन को उठा दिया, मेहंदी वहाँ पर चल रही थी, तो उसके बाद की फिनिशिंग आप देख सकती हैं। बस आपको प्रेशर कोन पे आपका प्रेशर अच्छे से, दबाव जो है वो अच्छे से होना चाहिए बीच में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे एम की तरह है तो उस तरह बनाऊँगी। तो देखिए, आपका हाथ हर तरीके से घूमना चाहिए, तो मैंने पहले यहाँ पे, मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगी कि यहाँ से शुरू करती हूँ, मैं यहाँ से शुरू करूँगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे पूरा ले जाना है प्रेशर के साथ, बस उसी जगह पर आपको घुमा देना है इस तरीके से,
देखिए मैं चाहती तो सॉन्ग करके और कुछ भी करके ऐसे डाल देती, पर मैं चाहती कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाती चलूँ, क्योंकि जिन जो मेहंदी मेरी स्टूडेंट है जिनको क्योंकि मैंने पैसे ले सिखाया था, तो ताकि उनके लिए ये काम की रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही मैं स्लो मोशन में बता रही हूँ, इस तरीके से ये ले जाइए पूरा, जैसे एम बनाती हैं तो एम को आप हाफ करती हैं, पर इसको फुल आपको इस तरीके से, ये अभ्यास के साथ जितना आप इसको पतला रखेंगी उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अगर आप इसको इस तरीके से मोटा करेंगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। जितना आप इसको पतला रखेंगी उतनी ही फिनिशिंग आती है। ये सारी चीज़ें आपको हर मेहंदी के डिजाइन में, सभी मेहंदी के डिजाइन में ये स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे अब आपको सिर्फ अगर गोला करना है तो आपको सिर्फ अपने कोन को एक जगह रखना है, उसको प्रेस करते जाना, जितना बड़ा चाहो आप उतना बड़ा यहाँ पे बिंदी रख सकती हैं। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे रखेंगे और फिर इस तरीके से सब में गैप उतनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा आपको गैप नहीं रखनी है। और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बनाना, सी की तरह इसको आपको बनाना, ये देखिए इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही सरल डिजाइन है। और आपको एक दो दिन के बाद करवा चौथ का मेकअप का लुक भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को तैयार होना है। मैं मेकअप तो उसी दिन करती, पर क्या होता है कि मैं जब करवा चौथ पे जब मैं व्रत रहती हूँ फिर मैं इसके ऊपर एक फिर वही चीज़ करूँगी अप्लाई। इसको मुझे बड़ा बनाना है, ठीक है। तो फिर इधर से मैं देखूँगी करूँगी। तो मेरा क्या होता है कि करवा चौथ पे जब मैं चाय नहीं पीती हूँ तो उसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब आप उठा के करती हैं तो फिर कहीं कहीं आपके मेहंदी टूट भी जाती है। ये देखिए, इसकी वजह से मैं करवा चौथ के दिन कोई मेकअप बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी वो बहनों के लिए मैं वीडियोस बनाऊँगी जो बहनें जो है करवा चौथ पर तैयार होती हैं, जिनकी नई नई शादी हुई रहती है तो बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को यहीं पे रखूँगी, ठीक है। और एक लाइन मैं और ड्रॉ करूँगी उसी के जस्ट बगल में। देखिए मेरी जो है फिनिशिंग अब थोड़ी सी कम हो रही है, इसलिए कि मैंने बिल्कुल मेहंदी छोड़ दी है और अब मेरा तो हाथ भी थोड़ा सा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मुझे एक स्टेप जो बनाना है वो एम की तरह, बिल्कुल एम की तरह। देखिए इस तरीके से ऐसे ला के इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल टफ नहीं है। और मेरे पार्लर में बिल्ली आ गई है, वो उसने दो बच्चे हुए हैं तो उनकी शायद भूखी भूखी रहती होगी, और मैं खाना लाई थी आज खाई भी नहीं, इतना ज़्यादा बिजी थी मतलब ब्राइडल्स का वो था और फिर ध्यान से उतर गया कि हाँ मैं खाना भी लेकर आई थी। ऐसे ही लापरवाही करती हूँ, इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती है। अब ठीक हो गई हूँ तो फिर मैं उछल रही हूँ, जब ठीक हो जाती हूँ तो ध्यान नहीं देती हूँ। और मैं, आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हैं, बहुत खुलकर बातें करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं कि ये है वो है, ऐसा मुझे बिल्कुल ना अच्छा लगता है ना मैं ही ये करती हूँ। और सिंपल सा सोवर सा आप देख सकते हैं ये बन चुका है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी,
और मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और अब आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो जाएगी। मैं सामान लेने जा रही हूँ जहाँ से मैं लेती हूँ होलसेल रेट पे, जैसे पार्लर के जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी सभी चीज़ें मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी, इसलिए मैंने पार्लर की वीडियोस भी नहीं बनाई कि आप लोग बोलोगे कि दीदी आपने पार्लर में रखा क्या है, क्योंकि सभी जितने भी किट्स थी वो सभी ख़त्म हो गई। कुछ मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है जो छूट पर थी, और कुछ मैं जाऊँगी तो वहाँ से लूँगी, और आप लोगों को वो शॉप भी दिखाऊँगी, शॉप जो है जहाँ से मैं हमेशा मार्केट में जहाँ से मैं सामान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ से और कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, वैसे नहीं, और तो वहाँ पे फिर इस तरीके से हम यहाँ से लेंगे, इस तरीके से ये बहुत ही सरल है ये डिज़ाइन, ये देखिए बहुत ज़्यादा सरल है। आप लोगों से बातें करते हुए ये लगभग पहुंचने वाली है अपने मुकाम पर डिज़ाइन, क्योंकि मुझे भी अब जल्दी है, क्योंकि एक वीडियो मुझे लगा था मैं उसको डाल दूँगी, पर क्या बताऊँ मैं कि नहीं डाल पाई उसको। और फिर अब मैं यहाँ से फिर एक लाइन और ड्रा करूँगी, कितनी लाइन। देखो मेहंदी में लुक जब आता है हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे एक लाइन आप कभी भी कहीं का भी वो करिए, तो जब एक लाइन खींचते हो तो उसके बगल वाली को पतली करो, ठीक है, एक मोटी एक पतली, उससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैं जब चाहूँगी लेने, मैं नारंग की दुकान है यहाँ इलाहाबाद में, काफ़ी बड़ी है, चौक में है, चौक की मार्केट काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे बहुत शॉप हैं जो है चौक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो शॉप ऐसी है जहाँ पे आपको पार्लर से जुड़ी हुई, जैसे कि कोई भी खोलता है पार्लर तो वहीं से, वहाँ पे चेयर से लेकर फेशियल बेड से लेकर स्टीम से लेकर सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो होलसेल रेट पे मिल जाती है ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, एक प्राइज है जिसका भी है, वहाँ पर कम ज़्यादा कराने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उनका जो रेट है वो रेट है जिसपे 20% सभी फेशियल किट पर आपको डिस्काउंट देते हैं, और जिसपे जो आपको सभी पे जैसे जिसपे मिलता है नॉर्मली हम लोग को जो कंपनियां देती हैं 20% डिस्काउंट, वो भी देते हैं पूरा अच्छे से। तो मैं वहां पे जाऊंगी तो आप लोगों को वो दुकान भी दिखाऊंगी, और किस तरीके से वहां तक पहुंचा जाए ये भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि जो लोग यहाँ के हैं अगर नहीं जानती हैं तो वो लोग जाके वहाँ से ले पाएंगी, और सभी चीज़ें वो रखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस तरीके से इसमें बॉक्स बनाऊँगी तरीके से, बहुत ही इसमें दो तरीके से भर सकते हैं, पर अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाऊंगी, तो फिर मैं बॉक्स वाला ही बना रही हूँ, ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से और बुखार का सीज़न चल रहा है, आप लोग अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा, बिना टाइम के नहाइएगा मत, क्योंकि मुझे बुखार आया और फिर मेरे हस्बैंड को आ गया, अब शायद लग रहा है कि मेरी बेटी को भी आएगा, तो क्योंकि सबको दिक्कत हो रही है। ठीक है, और अभी जो है बाकी थोड़ा बहुत तो लग रहता है, अब इसको सजाने के लिए मैं सोच रही हूँ। अब देखिए एक चीज़, अब इसमें यह है कि जब भी मैं अगर इस तरीके का कुछ भी चीज़ पहले इसको भर लेती हूँ, एक छोड़कर एक बॉक्स छोड़कर फिर एक भरते हैं, इस तरीके से बॉक्स से भरे जाते हैं, इस तरीके से भरेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसका भरने का कई तरीका हो सकता है, चाहे तो हम एक एक जगह छोटे छोटे ऐसे डॉट्स इस तरीके से रख सकते हैं, चाहे तो पूरा भर सकते हैं, चाहे तो बिंदी कर सकते हैं, ये देखिए हम बिंदी रख रहे हैं, तो बिंदी काफ़ी सुंदर लग रही है, ये देखिए बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है पर बहुत प्यारी लगती है। और उसके बाद अब जो है हम यहाँ से जो है ये बीच में जाएगी, आप साइड में भी ले जा सकते हो, पर मैं इसको बीच में ले जाऊँगी, हाँ मैं इसको बीच में ले जाऊँगी। तो अभी मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ले गई, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से जाएगा,
और अब मैं दूसरा भरना सिखाऊंगी इस वाले में आपको। देखिए इस तरीके से आपको करना है ऐसे, उसके बाद एक और ऐसे इस तरीके से, फिर उसके बाद ये हिस्सा। ये बहुत ही प्यारा लगता है भरने के बाद। यहाँ पे बिंदी रखेंगे छोटी छोटी, जो कि मैंने यहाँ से, ताकि इससे मैच करता हुआ है ना। हमेशा ये ऐसी इसी तरीके से मेहंदियाँ लगाई जाती हैं कि जो एक आपने शुरू किया उसको आपको पूरे मेहंदी में कहीं ना कहीं शो करना रहता है। तो मैं वही सारी चीजें यहाँ पे करने वाली हूँ जो आगे की थी। तो ये डिजाइन ऐसी है जिसे आप भूलती भी नहीं है, जिसे आप कहीं भूलेंगी नहीं, कभी भी किसी को लगा सकती हैं। तो शुरू शुरू में हमें ऐसी छोटी छोटी डिजाइनों को याद करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे, जब हमें सभी चीजें हमारे हाथों से बनने लगती हैं, तो फिर धीरे धीरे चीजें हम बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे हम वही चीज करेंगे उस तरीके से जैसे यहाँ पे किया था। ये यहाँ भी जा सकता है, जैसे मैं इसको यहाँ पे भी ले जा सकती थी, पर मुझे इसको ऐसे ले जाना था। तो आप दोनों तरीके से कर सकती हैं इस चीज को। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगी, शेयर करेंगी और सब्सक्राइब करेंगी। जो लोग नए हैं, पुराने मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मेरी सभी स्टूडेंट ने। तो कुछ इस तरीके का है। अभी मैं इसमें जो है, अब मैं इस चीज को इस साइड घुमाऊंगी और इस तरीके से मैं इसमें दूंगी लुक, ठीक है। और मतलब इस तरीके से, अब ये फिंगर्स में है, जब आप एक साथ रखती हैं तो ये डिजाइन्स मिलती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इस तरीके से हो गया ये, अब इसके बाद मैं इसके ऊपर फिर एक छोटा सा जो है इस तरीके से करूंगी। ये अभी मैं इसको जो है इसके अंदर एक छोटा सा और बनाऊंगी। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकती हैं, मेरा मन ऐसे हो गया बनाने का यहाँ पे, क्योंकि अभी लेट हो रहा है बहुत। और अब यहाँ पे मैं जो है ये वीडियो, अभी शाम के लगभग 7 बज रहा है तब मैं बना रही हूँ, और ये वीडियो अभी ही जाएगी, क्योंकि आज वीडियो नहीं जा पाई, बस थोड़े से गलती की वजह से कि मैं दिन में जो वीडियो बना रही थी वो बहुत अच्छे से आई नहीं, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सजाते हैं हम। देखिए का छोटी छोटी चीज़ों से मेहंदी में फिनिशिंग आती है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे शायद बहुत अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि अब बहुत लेट हो रहा है, बेटी को थोड़ा सा फीवर भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ तक की परफेक्ट बहुत अच्छी। यहाँ के आगे आप ये वाले हिस्से को यहाँ पे डाल सकती थी, मैंने सिंपल सा ऐसे डाल दिया है, कुछ भी डिफरेंस आप कर सकती हैं। और बाकी इन सब में आप इस तरीके से भर सकती हैं, बाकी और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, कर सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और लगभग लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा और इन्हेंस करना है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बिंदी रख देंगे, तो ये हमारी डिजाइंस काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी करवा चौथ है, तो करवा चौथ के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे मेकअप है उसके बाद बताऊँगी, फिर किस तरीके से थोड़ी सी हेयर स्टाइल इसमें, थोड़ा सा इसमें लुक करवा चौथ पर अच्छा ले आएंगे। तीज में मैं ले आई थी थोड़ा सा इंडियन लुक में, इसमें थोड़ा सा और अच्छा ले आएंगे। और इस तरीके से मेहंदी आपको आगे लगानी है। कल जो मैं मेहंदी बताऊँगी वो यहाँ पर बनाऊँगी, बहुत ही टाप की मेहंदी। आज ही मैंने सोच के रखा है कि मैं उस बैक वाले में ये चीज़ बनाऊँगी, तो फ्रंट वाले में इस तरह से लगाना है, बैक वाले में भी बता दूंगी, और फिर हो सकेगा तो मेरी स्टूडेंट के ऊपर मैं इस वाले हाथ में बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हूँ नेक्स्ट।